जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े नेता पहुंच जाते हैं उनकी आत्मा मर जाती है। चुनाव अभी लोकसभा का नहीं है, लोकसभा का चुनाव होगा तब बात तय होगी। मैनपुरी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिले के सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। उनके साथ मैनपुरी सांसद डिंपल यादव भी मौजूद थी। उसके बाद शहर के मिष्ठान भंडार पर पहुंचे अखिलेश यादव ने जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की और निकाय चुनाव कराने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी दलितों का भी आरक्षण खत्म करने की कोशिश करी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के सवाल पर उन्होंने कहा, हमने तो पहले भी उन्हें ऑफर किया था कि हमने पहले भी बोला था 100 विधायक ले आए और मुख्यमंत्री बन जाए। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े और दलित नेता जब पहुंच जाते हैं तो उनकी आत्मा मर जाती है। आइए सुनाते हैं और क्या क्या अखिलेश यादव ने। अखिलेश जी, प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन की बात चल रही है। देखिए, सरकार जानती थी, अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है कि जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह की कहा था व्यवस्था के लिए, उसके बाद भी सरकार ने निकाय चुनाव जानबूझ के कराने की कोशिश की और पिछड़ों का आरक्षण अभी छीन है, आने वाले समय में ये दलित भाइयों का भी आरक्षण छीन। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया, जो संविधान के तहत हमें व्यवस्था मिली थी, तो उन अधिकारों को छीनने का काम सरकार कर रही है। और ये फैसला केवल निकाय का नहीं है, उनके काम करने का तरीका अगर आप देखो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कहीं भी आरक्षण की कोई बात नहीं है। आप वाइस चांसलर देख लीजिए, आप वाइस चांसलर के माध्यम से जो अपॉइंटमेंट है वो देख लीजिए। ये सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर पर उंगली उठ रही है। जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं वो कौन लोग हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का वोट लेना जानती है लेकिन उन्हें सम्मान देना नहीं जानती। जब हक और सम्मान की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा धोखा देंगे। मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का अच्छा नहीं लग रहा। अरे हम तो क्या कहते हैं, अरे हमने ये कहा कि तुम अपने 100 समर्थन में ले आओ और हम आपका सहयोग कर देंगे। अगर सवाल इस बात का नहीं है, आपके आत्मा मर गई है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े नेता पहुंच जाते हैं उनकी आत्मा मर जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।